भाई किसी ने कहा है कि मौका दीजिए अपने रक्त को किसी दूसरे की रगों में बहने का, यही एक सुनहरा अवसर है कई जिस्मों में जिंदा रहने का। बहुतों ने दिया है बहुतों को जीवन दान, क्या आपने भी किया है कभी रक्तदान? तो आइए कीजिए रक्तदान, और भाई हम भी करते हैं वो सीन भी माफ। हरियाणा 1008 देखने वाले सारे बन भाइयों राम राम, मैं हूँ दिनेश कुमार, फिलहाल रोहतक में मौजूद हूँ। और कहाँ पे मौजूद हूँ एक बार दिखा दो भाई, वर्ल्ड बैंक के सामने मौजूद हूँ मैं भाई। यहाँ पे आज रक्तदान करने के लिए आए हैं, हम गए थे सोनीपत स्टैंड पर जहाँ पे इस वर्ल्ड बैंक की जो बस है वहाँ पे वो लगी रहती है रोजाना, तो वहाँ पे गए थे, वहाँ पे थी भीड़ बहुत ज्यादा। तो इनका जो वर्ल्ड बैंक है सीधे हम यहीं पर पहुंचे हैं, यहाँ पे हम आपने दिखाओगे किस तरह से जो है वर्ल्ड यहाँ पे डोनेट करते हैं। और रक्तदान महादान क्यों कहा जाता है वो पूछे मिगे, रक्तदान करने के क्या क्या फायदे होते हैं वो भी हम आपको बताओगे। एक बार अनिल लगूंगा, चलिए आप आगे चलिए और दिखाइए। ये है भाई सन फ्लैग वर्ल्ड बैंक, सन फ्लैग वर्ल्ड बैंक रोहतक में फिलहाल मैं मौजूद हूँ। और यहाँ पे आज हरियाणा 1008 की जो टीम है वो रक्तदान करने के लिए आई है। ये देखिए जो डोनेट करने लग रहे हैं साथी, यहाँ पे दिखाइए। और ये हमारे एक मित्र भी हैं, मास्टर जी राम राम। राम राम जी, राम राम। डोनेट कर दिया? हाँ कर दिया जी, बिल्कुल। कैसा फील हो रहा है डोनेट करने? बिल्कुल बहुत रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, आराम। हाँ कोई ऐसी बात नहीं, बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ बिल्कुल, हल्का महसूस कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और हमारे एक साथी हैं भाई जी, जी राम राम भाई साहब। राम भाई साहब जी, एक बार नाम बता दो। अमरजीत सिंह है, हरियाणा पुलिस। हाँ जी, कैसा फील कर रहे हो? बहुत बढ़िया। कितनी बार कर चुके हो? पांच छह बार कर चुके हो। देते रहना चाहिए, ये देते रहना चाहिए। बिल्कुल भाई। मास्टर जी कितनी बार कर चुके हो? 8-10 बार कर लिया। 8-10 बार कर चुके हो भाई। किसी ने कहा है कि मौका दीजिए अपने रक्त को किसी दूसरे की रगों में बहने का, यही एक सुनहरा अवसर है कई जिस्मों में जिंदा रहने का। तो भाई किसी कवि ने, किसी शायर ने ये शब्द लिखे थे जो आपके सामने मैंने दोहराए हैं। और हमारे एक मित्र और हैं जो वर्ल्ड बैंक वालों की कई सालों से जो है वो बस है जो उस पर अपनी सेवा दे रहे हैं भाई। राम 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 जी। कितने दिन से आप सर्विस कर रहे हो भाई? सर्विस 3 साल हो गए जी। बीपी जैन स्किल डेवलपमेंट सेंटर, बीपी जैन ने, राजेश जैन ने हमारे ये यहाँ रोहतक में ये ब्लड बैंक की जो गाड़ी है ये डोनेट कर रखी है। और ये इसीलिए दे रखी है कि भाई यहाँ पे ब्लड की कोई कमी ना हो रोहतक में। रोहतक में कमी ना हो, हाँ, कोई ब्लड के कारण कोई किसी मरीज की जान ना जाए, इसलिए ये। अच्छा, आप जैसे बस पे अपनी सेवाएं देते हो? हाँ। तो रोजाना रहते हो आपकी सेवाएं? डेली कैंप रहते हैं। तो कितने लोग डोनेट करते हैं डेली आपकी नजर में? कभी 60 हो जाते हैं, कभी 70 हो जाते हैं, कभी 100 हो जाते हैं। तो मैक्सिमम ऐसे ही होता है। 3 साल हो गए सर्विस करते। बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे होंगे जो आपकी नजर में कई कई बार आ चुके होंगे। कई कई बार आ चुके हैं, तीन में तीसरी बार तो शायद हम भी आ गए। हाँ 3-4 बार तो आप भी आ गए। बिल्कुल भाई, हम भी चलो डोनेट करांगे। और जो डॉक्टर साहब हैं उनसे भी जो हम बात करेंगे। राम राम डॉक्टर साहब। राम राम जी। राम, एक बार तो नहीं बता दो ब्लड डोनेट करने के फायदे क्या होते हैं? बहुत सारे लोग डरते हैं, ये सोचते हैं ब्लड डोनेट करेंगे कहीं शरीर में कमजोरी आ जाए। बहुत सारे लोगों की मानसिकता होती है, हमने बहुत सारे लोगों से सुना है। एक बार फायदे बता दो पहले। ब्लड डोनेट करने का सबसे ज्यादा तो फायदा ये है कि अपने ब्लड से किसी की जान बच रही है, सबसे बड़ा फायदा तो हो गया। और उसके अलावा अपने सारे ही फायदे हैं, जैसे अपना कोलेस्ट्रॉल वगैरह मेंटेन रहता है, फ्री में सारे टेस्ट हो जाते हैं, जैसे HIV हो गया, HCV हो गया, मलेरिया हो गया, VDRL हो गया, ये सारे टेस्ट अपने जब ब्लड डोनेट करते हैं तो ब्लड बैंक के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाते हैं। अदरवाइज आप ये टेस्ट बाहर से करवाते हैं तो ये इन टेस्टों की कॉस्ट लगभग 1500 से 1600 रुपए होती है पर यूनिट के हिसाब से। जैसे आप बाहर कराएंगे किसी भी लैब से तो 1500-1600 रुपए लेते हैं, वो टेस्ट अपने यहाँ पे फ्री में टेस्ट हो जाते हैं। उसके अलावा BP मेंटेन रहता है, शुगर वगैरह मेंटेन रहता है, कोई भी नया कोई भी बीमारी होती है तो ब्लड बैंक के द्वारा अपने को पता लग जाती है जी। सारे बहुत काफी सारे फायदे हैं इस चीज। बिल्कुल भाई, ये देख लो ब्लड डोनेट करने के फायदे जो डॉक्टर साहब ने आपको बताए हैं, ये ब्लड डोनेट करने के फायदे हैं। और भाई हम भी डोनेट करा, हाँ वो भी मैं आपने दिखाऊंगे। तो हमारी और सीट दिखा दो एक बार, डॉक्टर साहब खड़े सी है यही पे आ, दोनों हम इकट्ठे आ जाए। अच्छा, दोनों का हो गया इनका, दरोगा जी का भी हो गया और मास्टर जी का भी हो गया। तो भाई अभी जो हमारे जो भतीजे हैं जो फिलहाल कैमरे पे है, अनिल, अनिल तू भी करेगा भाई?
बिल्कुल भाई, अनिल भी कहे है भाई मैं भी डोनेट करूंगा। और तीसरी बार या चौथी बार शायद मेरा ध्यान नहीं, ये जो है मैंने भी पहले जो किया है और आज फिर ब्लड डोनेट करने का हमने मन बनाया। और भाई एक चीज और बता दूं, इसमें हम किसी की भी ऐड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक जागरूकता के लिए ये वीडियो हमने बनाई है। इसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, उन लोगों तक भी पहुंचाएं जो ब्लड डोनेट करने से डरते हैं। उसके जो फायदे हैं ब्लड डोनेट करने के, वो जो है डॉक्टर साहब ने बता भी दिया कि वह क्या क्या फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि हमारे ब्लड डोनेट करने से किसी जरूरतमंद की, किसी की मजबूरी में फंसे हुए लोगों की जान बच जाती है। सबसे बड़ा फायदा तो यह है, और जीव की जान बचाना ही सबसे बड़ा धर्म है। तो इसीलिए रक्तदान को महादान भी कहा गया है। और दूसरा जो फायदा जो बताया है, जो आप टेस्ट करवाते हैं, बहुत सारे जो टेस्ट आप समय समय पर करवाते रहते हैं, जब आप किसी लैब में जाते हैं तो हजारों रुपए उन टेस्टों के लिए आपको देने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे जब आप, यहाँ पे नहीं कहीं भी किसी भी उसमें ब्लड बैंक में आप डोनेट करने के लिए जब जाते हो, तो वहां पे आपके सभी टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किए जाते हैं, कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाता। तो दूसरा फायदा ये हो गया। तीसरा फायदा हो गया कि आपका जो ब्लड है वो जब शरीर से जो हमारे जो फिलहाल जो ब्लड चल रहा है उससे जब डोनेट करते हैं, तो नया जो है वो रक्त जो है वो बनना शुरू होता है। और नई चीज तो भाई कोई भी चीज हो, जब कोई भी चीज नई, जिस तरह से गाड़ी की सर्विस हो जाती है ना, आप गाड़ी लगभग एक आदमी गाड़ी चलाता होगा, बाइक चलाता होगा, जब उसकी सर्विस करवाने के बाद वो गाड़ी कैसी चलती है आप सब वो जान सकते हैं। जो गाड़ी में इंजन ऑयल डालते हैं वो भी उसमें एक किस्म का ब्लड का ही काम करता है। और नया इंजन ऑयल डालने के बाद वो गाड़ी कैसी अपनी परफॉर्मेंस देती है, इस बात का आप सबको पता है। यही हमारे शरीर के साथ होता है। जब हम अपना जो ब्लड डोनेट कर देते हैं, फिर नया ब्लड जो है प्रकृति जो सिस्टम जो बना रखा है प्रकृति ने, उस सिस्टम के अनुसार नया ब्लड जो जब शरीर में जो पूरी जो रक्त वाहिकाएं हैं उनमें जब दौड़ता है, तो फिर शरीर की जो है परफॉर्मेंस वो कैसी होगी, वो ब्लड डोनेट करने के बाद जो है आप लोग महसूस करोगे। ये स्लोगन देखो भाई, रक्तदान करके तुम भी मानवता का अलख जगा दो, रक्तदान करके तुम भी मानवता का अलख जगा दो, मानो हो तुम मानवता का फर्ज निभा दो, रक्तदान करके समाज का कर्ज चुका दो, हंसते हंसते कीजिए रक्तदान का काम ताकि दुखियों को मिले जीवन का आराम, बहुतों ने दिया है बहुतों को जीवन दान, क्या आपने भी किया है कभी रक्तदान, तो आइए कीजिए रक्तदान। और भाई हम भी करते हैं, वो सीन भी हम आपको दिखाते हैं। लो भाई डॉक्टर साहब अनिल का जो है ब्लड डोनेट करवाने की तैयारी करने लग रहे हैं। अनिल है बहुत का वीडियो में कैमरे के सामने आता है भाई, हाँ खतरे काम हो जब ले आया करूं इसने दर्द तना होया होगा अनिल ले भाई मेरा नंबर आ गया है नहीं सुई ना, हाँ बिल्कुल इस सुई ना वैसे भी कम दर्द होया करे, कट जितना दर्द होता है कितना कट होगा डॉक्टर साहब 450 ml गणा ना कट योग्य चढ़वाना पड़ जाए वो एक चुटकला याद आया मेरा, एक ब्लड देन चला गया अरे एक बोतल जब काढ़ी उसमें दे, हाँ जी मुट्ठी बीच ली, एक बोतल काढ़ी जब उसमें दे, जब आगे चक्कर उसने चक्कर आगे डॉक्टर ने देखा वो इसका चढ़ाना पड़ेगा, कई बोतल चढ़ ली उसके, और फिर उसने गुस्सा आया जब कई बोतल जो चढ़ी और वो खाली दिखी और दो तीन भरी दिखी और भी चढ़ानी पड़ सके है, वो देखा ने बोला कितनी और काटोगे, बोला वो तो कई धर रहे हो तो ऐसा ना हो जाए डॉक्टर साहब कहते हाँ जी। अरे भाई इस तरह से ब्लड डोनेट किया जाता है, वैसे तो लगभग आदमी जो करते रहते हैं, लेकिन ये वीडियो हमने उनके लिए बनाई है जो अपने जीवन में कभी भी ब्लड डोनेट नहीं करते। तो ब्लड डोनेट करना चाहिए, इसमें कोई किसी भी प्रकार के खतरे वाली बात नहीं होती है, और बड़े अच्छे तरीके से जो है ब्लड डोनेट जो करवाते हैं जो टीम होती है, और किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं होता इसमें, आपके सभी टेस्ट हो जाते हैं। और जो फायदे हैं वो मैं आपको एक बार फिर साथ साथ फिर बताऊंगा, रक्तदान करने के जो फायदे होते हैं, इससे एक तो आपके पूरे शरीर का जो है वो चेकअप हो जाता है,
शरीर में आने वाली जो बीमारियां होती है उनको पहले ही जो है उनको पता लगाया जा सकता है कि शरीर में कोई ऐसी बीमारी हो जो जिसकी शुरुआत हो रही हो और बाद में वो बीमारी बढ़ सकती है, तो उसका पहले ही उसका पता लग जाता है समय समय पर रक्तदान करने से। और रक्तदान जो है वो पूरे शरीर के लिए फायदेमंद है। वजन कम होता है आपके शरीर में, अगर काफी ज्यादा वजन है तो समय समय पर रक्तदान आप करते रहोगे तो वजन भी जो आपका कंट्रोल रहेगा और साथ ही साथ आपकी स्किन भी जो है वो अच्छी रहेगी, किसी प्रकार की एलर्जी वगैरह से बचा जा सकता है, शरीर पूरा स्वस्थ रहेगा। और ब्लड डोनेट करने से कैंसर से भी बचा जा सकता है, कैंसर जैसी जो खतरनाक बीमारियां हैं उनका भी खतरा कम होता है ब्लड डोनेट करने से। हमारा जो हृदय है, दिल है, वो भी स्वस्थ रहता है और शरीर में जो मौजूद बैक्टीरियल और वायरल की जो समस्याएं जो होती हैं वो भी दूर रहती हैं। काफी जो है जो समस्याएं हैं जो ब्लड डोनेट करने से जो हमारे शरीर से दूर रहती हैं। तो भाई आप समय समय पर सभी रक्तदान किया करो और अभी जो है रक्तदान के साथ साथ भाई काफी जो है ज्यादा बोलना और उस तरह की बातें भी जो है ठीक नहीं रहती, थोड़ा विश्राम भी करना चाहिए। तो लेकिन आप लोगों के लिए थोड़ा मैंने जो बताया है आपको, आप लोगों के फायदे के लिए बताया है, तो आप वेट करते हैं कितना समय लगता है रक्तदान करने में वो भी हम आपको बताएंगे और कितना जो है वो ब्लड लिया जाता है टीम के द्वारा, कितना वो ज्यादा नहीं ले सकते क्योंकि उसकी भी सीमा होती है, सीमा के तहत कितना लिया जाता है डॉक्टर साहब एक आदमी से? एक यूनिट 450 ml जो है एक बार में एक आदमी डोनेट कर सकता है। अच्छा, एक साल में कितनी बार डोनेट कर सकते हैं जी? हर तीन महीने में डॉक्टर साहब कह रहे हैं हर तीन महीने में एक बार आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं एक साल में, यानी कि चार बार। और मैं तो ये कहूंगा कि साल में चार बार जो है आपको ब्लड डोनेट कर देना चाहिए ताकि आप किसी भी बीमारी से जो आप बच सके, आपका शरीर स्वस्थ रह सके। तो भाई ब्लड डोनेट करने के बाद जो है टीम के द्वारा यहाँ पे जूस पिलाया जाता है और जो है बहुत सारे, एक चीज और भी जो सामने आई है यहाँ पे जब हमने देखा, एक बार वो दिखाना भाई, एक बार पकड़ियो भाई साहब ये थैली दिखाना जो ब्लड की जो अभी दिया है, एक थैली दे दो कोई सी भी, ये एक दे दो मेरे को, ये जो अभी ब्लड जो डोनेट जो किया है हमने, इस पे मैं आपने बता दूं इस पे जाति का और धर्म का कोई भी कॉलम नहीं है। अब ये ब्लड मैंने डोनेट कर दिया, यहां से जब ये जाने के बाद ना तो ये पता कि ये किस जाति के इंसान ने दिया है, किस धर्म के इंसान ने दिया है। ये ब्लड जब किसी की जान बचाएगा तो भी ये नहीं देखा जाएगा कि ये किस जाति और किस धर्म के जो है इंसान की ये जान बचाएगा। और मैं आपको बता दूं एक यूनिट है, एक यूनिट से लगभग तीन लोगों की जान बचाई जाती है। तो भाई रक्तदान करो और इस जाति पाति के और इस धर्म के जहर को खत्म करो, जीव जीव की जान बचाता है, जीव और जीव की जान बचाने की आप कोशिश करें। तो भाई इसीलिए आप रक्तदान करें और डॉक्टर साहब जो है कुछ गिफ्ट भी जो है वो दे रहे हैं साथ साथ है। ये देखो भाई ये गिफ्ट, एक बार डॉक्टर साहब थोड़े इधर आ जाओ आप, ये गिफ्ट दिए जा रहे हैं भाई डॉक्टर साहब के द्वारा। इसमें क्या हम यहीं पे ओपन करेंगे भाई साहब, पकड़ना एक बार माइक, ये यहीं पे हम डॉक्टर साहब के सामने ही ओपन करेंगे गिफ्ट को। लो भाई क्या बात है, जब भी इसमें घर पे जाके आप दूध डाल के इसमें पियोगे तो आपको याद आएगी कि आपने रक्तदान किया था और तीन महीने के बाद आपका दोबारा से फिर मन करेगा कि तीन महीने हो गए और मैं फिर जाऊं और फिर रक्तदान करूं। इन्हें सब बातों के साथ मैं लेता हूं इजाजत, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, रक्तदान करें और जीव के जो है वो जान बचाने के आप बाकी बने। डॉक्टर साहब दो शब्द आप कहना चाहते हो तो आप भी कहिए लास्ट में। बस ये है रक्तदान महादान, सभी करो, सभी भाइयों से निवेदन है हर तीन महीने के अंदर रक्तदान करो। पता नहीं अपने किसी अपने ऐसा ब्लड ग्रुप हो जिससे किसी भाई कोई जरूरतमंद व्यक्ति की जान निकल रही हो और उसको अपना ब्लड लगे जिससे उसकी जान बच सके। सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है हर तीन महीने के अंदर ब्लड डोनेट करें और अपने जितने भी यार दोस्त हैं सभी से कहो इस ब्लड डोनेशन को एक पूरा लक्ष्य बनाना इस दुनिया में। पहले के टाइम पे चलता था, बड़े बुजुर्ग इस चीज से अवॉइड करते थे भाई कि ब्लड देने से कमजोरी आएगी, ये होगी।
आज का जमाना शिक्षित हो गया, हम पढ़े लिखे हैं, बुजुर्ग थे भाई पहले, पढ़े लिखे नहीं होते थे, उनको इन सब चीजों के बारे में नॉलेज नहीं होती थी, वो ये सोचते थे ब्लड देने से भाई कमजोरी आती है, ये होता है, सारा कुछ होता है। हम पढ़े लिखे हैं, इस मॉडर्न जमाने में ब्लड डोनेशन को एक जागरूकता बनाओ और इसे अपनी सीढ़ी बनाओ, किसी भी जरूरतमंद की भाई कहीं ना कहीं मौत ना हो जी, इससे बच सकते हैं भाई। हाथ जोड़ के निवेदन है, लास्ट में ये कहूंगा रक्तदान महादान जी। बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो ज्यादा ज्यादा शेयर कर दो भाई, शेयर करने का धूमा ठा दो ताकि उन लोगों तक वीडियो पहुंच जाए जो अभी तक भ्रमित हैं समाज की बातों से, वो भ्रमित हैं, उनका भ्रम टूट जाए और वो कोशिश करें अपने जीवन में रक्तदान करने की। इन सब बातों के साथ मैं लेता हूं इजाजत, फिर किसी खास जानकारी के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। हरियाणा 1008 के लिए मैं दिनेश कुमार, जय हिंद जय हरियाणा, भारत माता की जय।